ये बात जब रावण को मालूम हुई, रावण को मालूम हुई ये बात कि मेरे बेटे जो इंद्रजीत था जिसका नाम मेघनाथ को मारने वाला श्री लक्ष्मण, वो लक्ष्मण के सामने आ गया रावण कि मैं तुझसे बदला दूंगा अपने बेटे मेघनाथ का। अब देखिए राम, देखिए रावण और लक्ष्मण जी मिली थी, रावण का लक्ष्मण से हुआ युद्ध है भाग। जो हर लेता
हनुमान जी ने बाघ को पकड़ लिया है। लेकिन होता क्या है देखिए आप, समझ रहिए, पकड़ कान कर पे जकर के हुए मन में बजरंग हर सिद्ध, मगर पान की पलटी काया, मगर पान की पलटी काया, अरे हुआ नारी में वो परिवर्तित हो गया। अब जब नारी बन गया तब अरे किसे देख हुए हैं बजरंग, हाँ किसे देख हुए हैं बजरंग, वो नारी लगी छटपटाने, जिसे देख अरे किसे देख हुए तो मैं
पुराने लेना चाहती थी तो अपना अभिप्राय बता। वो नारी कहने लगी, मेरा अभिप्राय सुनिए है क्या, मेरे मन को भाए लखन है, अरे मेरे मन को भाए लखन है, अरे उन्हीं को मैं अपना बनाऊं। नारी ने कहा मेरा आशय क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है सुनिए, मेरे मन को भाए लखन है, अरे उन्हीं को मैं अपना बनाऊं। दिया अपना दिल है लखन को, वो लखन पे ही जीवन लुटाऊं।
सुंदर कहानी। रावण ने जब बाण छोड़ा लक्ष्मण के प्राण हरने के लिए, हनुमान ने वो बाण पकड़ लिया, वो बाण नारी बन गया। बढ़िया कहानी। लखन जी के प्राण, लखन जी के प्राण जो हरने का बाण, तो पकड़ के खड़े सीना ताने, देख बजरंग बली का, ना देख बजरंग जवाब सुनिए दादा। बहुत बढ़िया गीत आया, अब उतना ही अच्छा जवाब हो जाए तब तो जवाब है, वरना कोई मतलब नहीं। जवाब का मतलब यही होता है कि जवाब अच्छा होना चाहिए। प्रश्न तो अच्छा सबका होता है, क्योंकि वो घर का लिखा हुआ होता है, फुर्सत का लिखा हुआ होता है, मगर मंच का लिखा हुआ अच्छा बन जाए, और अच्छा अगर बन जाएगा तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का स्नेह और बाबा बजरंग बली की कृपा होगी, और अगर बिगड़ गया तो ये मेरी त्रुटि होगी, क्योंकि मैं तीन हूं वो ज्ञानी है। बहुत अंतर है, एक तरफ ज्ञानी, एक तरफ दीन महीन। एक कहानी और सुनिए जवाब में। राम रावण का युद्ध चल रहा था, लेकिन जब लक्ष्मण जी के ऊपर बाण चढ़ा दिया रावण ने, तो हनुमान को बीच में आना पड़ा, और रावण ने सारा काम किया लेकिन विफल हो गया। आपके गीत के माध्यम से रावण विफल हो गया, तब हनुमान ने एक करिश्मा और किया। क्या किया? हनुमान ने रावण को अपनी पूंछ में लपेटा। देखना करिश्मा, देखना हुआ क्या, पूंछ में लपेटा और आकाश मार्ग में उड़ गए। जब उड़ गए तो रावण घबराया, रावण घबराया उस समय के ऐसा ना हो ये हनुमान मुझे यहां से पटक दे तो मेरा काम तो तत्काल तमाम हो जाएगा। इसलिए आकाश मार्ग में जब हनुमान जी उड़ गए, तो चूंकि रावण पूर्व में ही ब्रह्मा जी ने तीन वरदान देने के लिए कह दिया था कि कभी भी जब तुम्हारे ऊपर संकट पड़े या जरूरत पड़े तब ये तीन वरदान आप मांग लेना। उठे और जब आकाश मार्ग में लेकर के उड़े हनुमान जी, पूंछ में लपेटे थे और इतने ऊंचाई पर पहुंच गए कि उनको ऐसा लगा रावण को कि अगर हनुमान ने कहीं पूंछ से छोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए हुआ क्या, हनुमान को यह पता चला कि रावण को तीन वरदान ब्रह्मा जी ने ऐसे दिए हैं, तो इसी समय मांगने में सारे वरदान विफल करूंगा। अब देखिए युक्ति हनुमान जी की। रावण के वरदान जब जाने हनुमान, जब उनको पता चल गया कि रावण तीन वरदान मांगने वाला है, चलो ठीक है मांगो बेटा, देखेंगे, मांगो मांगो। रावण के वरदान जब जाने हनुमान, तो करके करिश्मा दिखाए,
स्वयं मुस्कुराए। क्योंकि भगवान राम भी मौजूद है युद्ध में, सभी लोग थे, रावण की सेना थी, पूरी राम की सेना थी, भगवान राम भी मौजूद थे। जब देखा उन्होंने कि हनुमान कुछ करने वाला है तो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं हनुमान की कला देख करके। कैसे? अरे काम देख अंजनी ललका, अरे राखो स्वयं के रावण को पूंछ में पकड़ के, रावण को पूंछ में पकड़ के और बजरंग हुए मन मगन। रावण को पूंछ में जकड़ के, फिर पकड़ के और जकड़ के और बजरंग हुए मन मगन। अरे रावण लगा छटपटाने, ऊपर तक जब ले गए तो रावण को लगा अब तो गड़बड़ काम है। अरे रावण लगा छटपटाने तो कपिवर उड़ पहुंचे गगन। फिर गया पापी डर, रावण डर गया। अरे गया पापी डर जो पहुंचा अंबर, गया पापी डर जो पहुंचा अंबर, तब वरदान याद उसको आए। अरे वरदान तब याद आए, अरे काम देख अंजनी ललन का, अरे राघव स्वयं मुझको। जब उसको भय व्याप्त हो गया, डर लगा कि अब तो अगर हनुमान छोड़ देगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए ब्रह्मा से पहला वरदान मांगा, हो जाए ये पूछ लंबी। आकाश में है तो वरदान मांगा ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मा जी, अरे हो जाए ये पूछ लंबी और वरदान पहला मंगाया। लंबी हो जाए, लंबी हो गई क्योंकि वो तो तत्काल का मामला था। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया लंबी हो जाएगी पूछ, लंबी हो गई। अरे हो जाए ये पूछ लंबी और वरदान पहला मंगाया, और बजरंग ने तब पत्थरों पर, पूछ तो लंबी हुई लेकिन अब वहां पर पहाड़ भी थे तो उड़ रहे थे हनुमान, एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे थे, बीच में अगर पहाड़ पड़ गया तो पूंछ तो लंबी है। अब जब पूंछ लंबी है तो वो रावण पहाड़ों से पत्थरों से टकराने लगा, जब टकराने लगा तो हुआ क्या, बजरंग ने तब पत्थरों पर, अरे पटका तो पापी चिल्लाया, पटका तो पापी चिल्लाया, फिर मांगा बल, फिर दूसरा वरदान मांगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, ये पहाड़ों से टकरा टकरा करके मार देगा, ये ब्रह्मा का वरदान तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब वो टकराने लगा तो चिल्लाया कि हे ब्रह्मा जी, हे विद्वर, अब मुझे दूसरा वरदान दे दो तत्काल, पहला वरदान तो मारे डाल रहा है, दूसरा वरदान दे दो। तो हुआ क्या, फिर मांगा बल, फिर मांगा पर पूरा करिए विधिवत, फिर मांगा पर पूरा करिए विधिवत, पूछ बजरंग की छोटी हो जाए, पूछ बजरंग की छोटी हो जाए। अब सोचिए जब पूछ छोटी होगी तो फिर आकाश में और टंग जाएगा रावण, क्योंकि लंबी है पूछ, अभी तो पृथ्वी के पास है,
लेकिन जब तू छोटी होगी तो वो सिकुड़ जाएगी और आकाश मार्ग में फिर पहुंच जाएगा राम। तो हुआ वही, क्या हुआ? फिर मांगा बल पूरा करिए विद्वल, पूछ बजरंग की छोटी हो दाए। काम देखे अंजनी ललन का, ये काम देखे अंजनी ललन का। अरे राखाओ स्वयं उसको राए, काम देखे बजरंग बजरंग का। अरे ऊपर आकाश मार्ग में फिर पहुंच गया रावण, क्योंकि पूंछ छोटी हो गई। तो हुआ क्या? छोटी हुई पूंछ कपी की, जब छोटी हुई पूंछ कपी की, तो फिर से गगन को सिधाए। अरे छोटी हुई पूंछ कपी की, तो फिर से गगन को सिधाए। रावण फिर पहुंच गया ऊपर, और तब हनुमान ने क्या किया? अब तीसरा करिश्मा कर रहे हैं हनुमान। लगे तेज पूंछ को घुमाने, अरे लगे तेज पूंछ को घुमाने, रावण को चक्कर है आए। अरे लगे तेज पूंछ को घुमाने, तो रावण को चक्कर है चक्कर आने लगा। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई रावण के, रावण की। तो मांगा फिर तीजावर। अब तीसरा बार मांगा, दो तो विफल हो गए। मांगा फिर तीजावर पूछ से छूट कर। विधिवर आप ऐसा करिए कि जैसे कैसे इस पूछ से मुझे छुटकारा मिल जाए तो चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए अब है ऊपर, बहुत ऊपर आकाश में, लेकिन मांगा फिरती जावर पूछ से छूट कर। और जैसे ही वर मांगा कर अब मैं पूछ से छुटकारा पा जाऊं, तो हुआ क्या? मांगा फिरती जावर पूछ से छूट कर। ए रावण है धरनी पे आए, धरती पर गिर गया। हाँ बेचारा लंगड़ाता हुआ, हाथ पैर बच गए टूटने से, लेकिन बच गया, जैसे तैसे बच गया। काम देख अंजनी ललन का, अरे राघव स्वयं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो तीन वरदान रावण के विफल किए हनुमान ने, वो भी एक चतुराई थी। पता नहीं राम के ऊपर या लक्ष्मण के ऊपर ये कब कौन सा वरदान मांग लेता, तो वो ब्रह्मा के वो तीन वरदान जो आकस्मिक समय में रावण को मांगना थे, वो हनुमान जी ने ही पूर्ण कर दिए मांगवा करके। ये उनकी एक सफलता है हनुमान जी की। आइए अब मेरे ओर से, मेरी ओर से एक गीत दे रहा हूं, सुनिएगा। रावण बहुत ज्ञानी था, क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साहित हो रहे हैं।
ये किस्मत हासिल।